सियालकोट से खबर शामिल करते हैं, जहां पर SSIOU सेल के बेहतरीन कारकर्दगी 19 साल दोषी मुस्कान साबिर को अगवा के बाद इज्तिमाई ज्यादती का निशाना बनाने वाले तीन मुलजमान को अदालत से उम्र कैद और भारी जुर्माने की सजा। तफसीलात के मुताबिक एडिशनल सेशन जज मैडम सामिया असद ने जुर्म साबित होने पर मुलजमान लतीफ उर्फ काका को 2 बार उम्र कैद, 4 लाख रुपए जुर्माना, हामिद को ताहियात कैद 2 लाख रुपए जुर्माना और मोहसिन उर्फ तोती को उम्र कैद 2 लाख रुपए जुर्माना की सजा सुनाई है। मियारी तफ्तीश की बदौलत मुतासरा फैमिली को इंसाफ की फ्राहमी मुमकिन बनाने पर क्रिश्चियन कम्युनिटी की नुमाइंदगी करते हुए MPA तारिक गिल, बिशप ऑफ सियालकोट एलवन जॉन सैमुअल, जर्नलिस्ट जावेद गुल, मारिया सलीम, पादरी आशर गिल, पादरी शरून फजल, पादरी रोमेल नसारी, रोबिन अलमास, इमरान मुश्ताक, इरफान जलाल, क्रिश्चियन कम्युनिटी के हकूक के लिए जद्दोजहद करने वाले तंजीम TMG फाउंडेशन और क्रिश्चियन कम्युनिटी के दीगर अकाबरीन ने DPO सियालकोट मोहम्मद फैसल कामरान का शुक्रिया अदा किया और मुतासरा फैमिली को इंसाफ की फ्राहमी यकीनी बनाने में कलीदी किरदार अदा करने वाली लेडी सब इंस्पेक्टर शहरबानों को अजाजी शील्ड से नवाजा, जबकि DPO सियालकोट मोहम्मद फैसल कामरान ने लेडी सब इंस्पेक्टर शहरबानों को तारीफी सन्नत और नकद इनाम से भी नवाजा। इस मौका पर बिशप ऑफ सियालकोट बिशप एलवन सैमुअल जॉन ने खसूसी दुआ की।